किसानों का प्रोटेस्ट लगातार जारी है और दिल्ली के बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं, सरकार और किसान आमने सामने हैं। आइए जानते हैं संदीप जी से, जो तीन कानून सरकार द्वारा लाए गए हैं, किसानों को इसकी कितनी जरूरत थी। संदीप जी, तीन कानून आपको जैसा पता है, आपको लगता है कि किसानों को इसकी जरूरत थी सच में? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, पहली चीज किस चीज की जरूरत थी, क्या है हमारी जो मंडी व्यवस्था है, और जहां भी कोई ऐसी व्यवस्था होती है, समय में हर व्यवस्था में कमजोरी आती है, उसमें गलत लोग आ जाते हैं, कोई लूटते हैं, कोई कुछ करते हैं। व्यावहारिक व्यवस्था में हमेशा होता है, कोई यही नहीं है। बैंकों में भी सुधार हजारों हुए हैं, फाइनेंशियल सेक्टर में हजारों सुधार हुए हैं, ट्रेडिंग में हजारों सुधार हुए हैं। तो अगर आपको एपीएमसी की या मंडी व्यवस्था की सुधार कर दी, क्यों करते, कई सरकारों ने सुधार किए धीरे धीरे। आज वो मंडियां नहीं है, अड़हतिया का आज वो रूप नहीं है जो आज से कई साल पहले था। पहले तो बिचौलिया अड़हतिया जो है एक तरीके से लूटमार करने वाला माना जाता था। धीरे धीरे नए कानून आए, तौर तरीके आए, उससे व्यवस्था बेहतर होती रही, उसमें आप चेंज करते, कोई दिक्कत नहीं थी। अब इसमें सरकार क्या कह रही है, मंडी को हटा करके हम इनकी प्रोक्योर नहीं करेंगे। पहली चीज़ तो प्रोक्योरमेंट की क्यों व्यवस्था बनी थी, इसलिए बनी थी क्योंकि आज भी हमारे देश में कुछ ऐसी जगह हैं जहां अनाज का ज़्यादा उत्पादन होता है, कुछ ऐसी जगह हैं जहां अनाज की कमी होती है, और दूसरा लाखों हमारे ऐसे परिवार हैं जो अगर जिस कीमत पर अनाज बिकता है उस कीमत पर अगर हम उसको लोगों को देने लगे तो पूरी तरीके से खाद्य सुरक्षा उनकी नहीं रहेगी। इसलिए जो राशन की प्रक्रिया आई थी उसके लिए कहाँ से हम लें, इसके लिए ये पूरी व्यवस्था आई थी। धीरे धीरे हमने देखा कि इससे दो तीन और फायदे होने लगे, बड़ी सरकारें भंडारण करने लगी, कल को खुदा ना करे कहीं सूखा हो जाए, कहीं बाढ़ की व्यवस्था आ जाए, कोई और तौर तरीका हो जाए, कल को पाकिस्तान हमला कर दे, तो खाद्य सुरक्षा में हमेशा हम संपन्न और अपने आप को साध के रखेंगे। एक तो उस व्यवस्था पर इन्होंने चोट लगाई। दूसरी क्या थी कि एमएसपी के कारण कम से कम एक मिनिमम फ्लोर मिल जाता था सरकार को, भाई अगर 1740 दे रखी है तो 1740 से कम में नहीं बिकेगी। उसमें भी दूसरी बात थी, बहुत से लोग बदमाशी करते थे और मध्य प्रदेश सरकार ने तो बदमाशी करने वाले अड़तियों को ही फायदा देना शुरू कर दिया था 52 की स्कीम में, पर वो छोड़िए, वो तो बीजेपी की मंशा है। तीसरा इनका जो ये कहना था कि सब इससे किसान कहीं भी बेच पाएगा और फायदा मिलेगा, वो तो अभी भी कहीं भी बेच रहा है, कोई मना ही नहीं है। किसने मना किए भाई, आप गेहूँ खाते हो, आप आशीर्वाद आटा खाते हो, आप किसी से बासमती लेते हो, आप कहीं के अमरूद खाते हो, आप कहीं के संतरे खाते हो, आप कहीं और से अंगूर मंगा लेते हो, कहीं आप केला खा रहे हो, कहीं का आप सेब खा रहे हो, कहाँ से आ रहा भाई, कोई सरकारी व्यवस्था से थोड़ी आ रहा है। आपको लग रहा था कि उसमें आप चाहते हो कि बड़े भंडारण हो, बड़ी वेयर हाउसिंग की व्यवस्था हो, तो धीरे 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 उनको आप अलाउ करिए, कौन मना कर रहा भाई। आप देखिएगा परसों मन की बात में प्रधानमंत्री ने एक उदाहरण दिया एफपीओ का, कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के एक राजस्थान के 12 के किसान हैं और ऐसा दिखाया जैसे वो इस कानून के कारण एक नए एंटरप्रेन्योर बन गए। अरे एफपीओ तो इस देश में पिछले 20 साल से हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन आपके कानून से थोड़ी आए, आपके पहले की सरकारों ने नए कानून बनाए जिसमें एफपीओ बन पाते थे। तो जब अपने किसी भी चीज़ की आप तारीफ नहीं कर पा रहे हो तो इधर उधर से चीज़ों को दिखाकर आप दिखाने की कोशिश कर रहे हो, ये डेस्परेशन दिखाता है कि सरकार भी जान गई है कि गलत कानून लेकर आए। आपको लगता है कि जब किसानों को इसकी ज़रूरत थी उसके बावजूद ये नए कानून आए, आप जो किसान कहते हैं कि एफएसपी के पर जो उनका मसला अटका हुआ है, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं सोल्यूशन निकलेगा इसका कुछ? मुझे मुश्किल लगता है, मुझे लगता नहीं है कि सरकार में मन है इस बात को करने का, क्योंकि ये थोड़ी ज़िद्दी सरकार है। और देखो, जब आपके किसी काम के पीछे धन पैसा आ जाता है और डोनेशन आ जाता है तो बड़ा मुश्किल होता है पीछे जाना, और ये सरकार कोई भी चीज़ बिना अपने पार्टी के लाभ के नहीं करती है, ये देश के लाभ की बात नहीं करती है, हमेशा पार्टी के लाभ की बात करती है, क्योंकि इसमें पार्टी के खजानों का लाभ हो रहा है, मुश्किल है कि सरकार पीछे जाएगी। अगर किसानों के लिए ही बिल आया तो कहीं ना कहीं इस बिल को लाने से पहले किसानों से वार्ता करनी चाहिए थी, बातचीत करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए थी। ये तो प्रक्रिया थी संसद में, स्थायी समितियों का एक सिस्टम है संसद में कि जब भी कोई नया कानून आता है वो संसद की स्थायी समितियों में चला जाता है, उसमें पक्ष विपक्ष के सांसद होते हैं, वो बैठते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, और हजारों लोग जो उस बिल से जिन पर असर पड़ रहा हो, इस केस में किसान होंगे, अड़हतिया होंगे, ट्रेडर होंगे, इकोनॉमिक्स के लोग होंगे, सबको बुलाते हैं, उनसे चर्चा करते हैं, कई महीनों तक चर्चा चलती है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जब निर्भय पे कानून बने थे, मैं उस समय गृह मंत्रालय की स्थायी समिति में था, हमारे पास वो कानून आया, वेंकैया नायडू जी उसमें चेयरमैन थे, हम लोगों ने 3 महीने उसमें लगाए, सड़क पे लोग रोज कह रहे थे कि कानून लाओ, कानून लाओ, कानून लाओ, लेकिन ये था कि नहीं साहब, इतना बड़ा कानून इतनी जल्दी में कैसे ला सकते, सोचने दीजिए, समझने दीजिए, हर कानून के 50 पहलू होते हैं। हमने वो देखा, कानून पास हुआ, आज उससे महिलाओं की सुरक्षा बेहतर हुई। क्या जरूरत थी आपको कि इसको आप बिना उस चर्चा के कर सकते थे?
तो जब सिस्टम है चर्चा करने के और आप चर्चा नहीं करना चाहते हैं, इसका मतलब है चर्चा से आप डरते हैं, और चर्चा से इंसान तब डरता है जब उसके मन में खोट होता है। आपको लगता है कि जो बातचीत के जो दौर चल रहा है अभी लगातार दो तीन तीन मीटिंग हो चुकी है, चौथी कल है, कहीं ना कहीं ये सरकार बस्ती नजर आ रही है बातचीत से? पता नहीं, देखो अगर आप बातचीत इसलिए करना चाहते हो क्योंकि आप हल ढूंढना चाहते हो तो हल निकलता है, अगर आप बातचीत इसलिए करना चाहते हो क्योंकि आप छल कपट कर रहे हो तो उस पर सुराग नहीं निकलेगा। अगर सरकार की मंशा है कि किसानों को थका दो, उनको बेवकूफ़ बना दो, उनको हटा दो, तो फिर इससे कोई हल नहीं निकलेगा। आपको क्या लगता है जो किसान और सरकार इससे आमने सामने है, इसका समाधान क्या है? समाधान तो यही है कि इन तीनों कानूनों को आप पीछे वापस लीजिए, और अगर आपको लगता है कि कुछ चीजें हैं जो सुधार के रूप में है तो किसान को समझाइए, किसान को बेवकूफ थोड़ी है, आपसे ज्यादा जानता भाई, उसकी तो जीविका उससे चलती है, हमारी आपकी जीविका थोड़ी चलती है, किसान की तो जीविका उस खेती से चलती है, उसको नहीं समझ में आएगा कि खेती में क्या अच्छा होता है, हमें सब पता है, एयर कंडीशन कमरे में बैठे रहते हैं हम लोग और दिल्ली के गलियारों में बैठे रहते हैं, इन्हें पता है किसान के लिए क्या अच्छा, किसान को नहीं पता। आप किसान अगर आपको सही में लगता है तो बात करिए उनसे, कहिए और वो क्या मांग रहे हैं, वो इन तीन चार चीजों में जो महत्वपूर्ण चीजें करें इसे वापस ले लीजिए। किसान ये थोड़ी कह रहा कि हम बात नहीं करेंगे, किसान ने कब कहा हम बात नहीं करेंगे, आप बात करिए उनको, अगर कोई एक दो चार चीजें आप समझा सकते हैं समझा लीजिए, नहीं समझा सकते कानून वापस लीजिए। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि सब समाधान है, बातचीत से ही मसले का हल निकलेगा और कोई बात नहीं? भाई अब देखो बाकी तो इस सरकार को केवल वोट समझ में आता है, और वोट और इसकी मुझे नहीं लगता बात करनी चाहिए, ये किसानों का आंदोलन है, ये किसी राजनीतिक पार्टी का या चुनाव का आंदोलन नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार तो ना जीत पड़ी हुई नजर आती है कि मतलब ये एमएसपी, मैंने पहले बताया जब आपने पहले ही डीलें कर रखी हैं तो डील में वापस कैसे जाओगे भाई? मैंने अगर बयाना ले लिया है तो मैं घर कैसे नहीं बेचूंगा, सरकार ने तो बयाने ले रखे हैं, कैसे वापस जाएगी भाई? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक बड़ा मैटर है, किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो अभी भी हो रही है, किसने मना किया है, कौन कहता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं हो रही? वही मैं कह रहा हूँ, इनको पता तो है नहीं ना खेती में क्या होता है, मैं बताता रहा हूँ, मैं तो 25 साल से खेती कर रहा हूँ, मैंने कॉन्ट्रैक्ट पर जमीन ले रखी है भाई, तो मुझे तो कोई नए कानून की आवश्यकता नहीं है। किसानों को डर है कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से जो इनकी जमीनें हैं वो बिल्कुल जाएंगी। देखिए पहले जो कॉन्ट्रैक्ट व्यवस्था थी उसमें नहीं जाती थी, अब जो बन रही है उसमें धीरे धीरे यही होगा। आप देखिए, आप एक चीज बताइए, इतने सालों बाद भी आज भी आप जब घर देते हो किराए पे तो 10 साल का क्यों नहीं एग्रीमेंट कर लेते, 11 महीने का क्यों करते हो, बता दो ना लोग मुझे, क्यों करते हो 11 महीने का? क्योंकि आप जानते हो कि जहां आपने लंबा एग्रीमेंट शुरू किया उसका अधिकार बनने लगेगा आपकी प्रॉपर्टी पे, और ये तो जमीन है, ये कौन छोड़ेगा? इस देश में जहां अतिक्रमण को सत्य में जयते माना जाता है, अतिक्रमण हर आदमी का अधिकार बन गया, जिसकी जमीन है उसको छोड़ के अतिक्रमण करने वाले का अधिकार बन जाता है, और जैसे हमारे लॉ में है कि पोजीशन इज 90% ऑफ ओनरशिप, तो बचेगा क्या, कहां से वो बेचारा वापस अपनी जमीन ले पाएगा? आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो सरकारी संस्था है एपीएमसी है उसको धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन जो हो रहा है उससे वो बिल्कुल पूरी तरह नष्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी? नहीं देखिए, प्राइवेटाइजेशन कई चीजों में होता है, सर्विसेज प्राइवेटाइज होती है, कोई दिक्कत नहीं, बात यह है क्या उसकी मूल जो कंट्रोल है वो प्राइवेटाइज हो रहा है, मतलब उसको चलाने वाले का अड़हतिया का और कंपनियों का हित देखेंगे या किसानों का हित देखेंगे? बात यह है, जब सरकार किसी चीज को चलाती है तो हमारा आशय होता है कि सरकार क्योंकि हमसे चुनी हुई है अंततः वो हमारा हित देखेंगे, प्राइवेट कंपनियां क्योंकि उनका केवल प्रॉफिट से चलती है वो प्रॉफिट का हित देखेंगे, इसलिए कंपनियों के ऊपर भी सरकार बैठती है जमहूरियत में। ठीक है, आप बता दो ना कि भैया लोगों की सरकार नहीं है ये, 10-15 पूंजीपतियों की सरकार है, हम उनके हित पे चलाते हैं, हम उनके हित पे चलाते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। किसान